अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर फेसबुक पे आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो चुकी है, मोनेटाइजेशन कौन की, कौन सी, स्टार्स मोनेटाइजेशन, आपके पेज पर अगर फेसबुक स्टार्स मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है तो आप उसका जो पे आउट मेथड है वो कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब आप उसकी जो पेमेंट लेंगे, आप उसकी जो अर्निंग हासिल करेंगे वो आप कैसे सेट करेंगे, उसका जो अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप जो है वो किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं कि आप किसी फेसबुक रील्स जो हैं उनके ऊपर स्टार्स मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए, आपको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, ये चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब दोस्तों को पता चल सके और तमाम दोस्त इस फीचर से फ़ायदा उठा सकें। आपको चाहिए सिर्फ 1000 फॉलोअर्स 60 दिन के अंदर और तकरीबन आपके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे खासे होने चाहिए, क्योंकि व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ अपने व्यूज़ मेरे पेज के ऊपर कितने व्यूज़ हैं, ये आप देखें, ये 12 तारीख को तकरीबन 3500 के करीब यहाँ पर व्यूज़ आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लाइन बनी हुई है, 4K व्यूज़ है। ये 12 तारीख को मेरे गए हैं तकरीबन, ये 2K है, ऊपर 4K, मतलब 3K तक गए हैं, ठीक है। ये 19 तारीख है, ये 20, इसमें भी 2K तक गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हुआ है। और मेरे आप फॉलोअर देख सकते हैं, 541 मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, 4816 पीपल तक रीच है मेरी, तो ये आप मेरा पेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्राइटेरिया है, यही है, आपने अच्छी तरह में ख्याल में आपको समझ आ गई होगी क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया है आपके सिर्फ 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए पिछले 60 दिन के अंदर और तकरीबन 1000 से ऊपर हर रील के ऊपर, हर रील ना मतलब काफ़ी सारे रील्स होनी चाहिए जिनके ऊपर 1000 से ऊपर व्यूज़ आएँ, ठीक है। तो आपकी रीच अच्छी खासी होनी चाहिए तब आपकी जो स्टार मोनेटाइजेशन है वो इनेबल कर दी जाएगी और आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आपको जब आपके पास ये मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आ जाए यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, फिर आपको जो है वो पेमेंट मेथड सेट करना होता है। जब तक आप पेमेंट पे आउट मेथड सेट नहीं करेंगे आपकी जो ये स्टार मोनेटाइजेशन है आपकी रील्स के ऊपर नहीं स्टार्ट होगी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं चलता हूँ स्क्रीन पर मोबाइल की पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे सेट करना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जी तो गाइस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में, अपने फेसबुक को कर लिया है ओपन। या मेरा पी दे सकते हैं बिलाल चौधरी पीटीआई प्रोफेशनल मोड में आने के बाद यहाँ के दे सकते हैं आप, मेरे पास मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। तो मैं इस मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा, आगे स्टार्स का मोनेटाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप, ठीक है। सेटअप आने के बाद यहाँ से अर्न मनी विद स्टार्स आप दे सकते हैं, गेट पेड, कनेक्ट विद फैंस, बी यू, तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, इन सबको पढ़ सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप यहाँ गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करके अपने पेमेंट मेथड है वो सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं सेटअप, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आगे थोड़ा चलेंगे, ये यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही हैं हमारी। तो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स आपने लिख देने, लीगल फर्स्ट नेम, अपने लीगल लास्ट नेम, जैसे मोहम्मद है मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मोहम्मद बिला, आगे बिलाल है, बिलाल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नीचे है डेट ऑफ बर्थ, वो भी आपने लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने ओरिजिनल लिख देनी है जो कि आपके आईडी कार्ड पे मौजूद है, क्योंकि ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनमें कोई आप फेक चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दी है 13 जुलाई, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नीचे अपना जो आप वो आपने सिलेक्ट कर लेना है आपका कंट्री कौन सा है, तो हमारा तो पाकिस्तान है, आप इंडिया से या भारत से बांग्लादेश से आप जहाँ से भी आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, इसके बाद तो मैं यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हमारे 4-5 स्टेप्स हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद आपका पेमेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। इंटर बिजनेस इनफो, ठीक है, आपने पाकिस्तान ऊपर से मेरा कंट्री सेट किया, बिजनेस इनफो आपने इंडिविजुअल कर देना है, ठीक है, इंडिविजुअल ही रहने देना है आपने। इसके अलावा आपने कोई यहाँ पर पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, LLC, पब्लिक और कुछ भी नहीं करना आपने, आप इंडिविजुअल करके इसको, सॉरी ये पार्टनरशिप नहीं, इंडिविजुअल करना है आपने इसको, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको टोटल फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जो है फुल फिल कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं आपने वही डिटेल्स देनी है, आपने एक चीज़ यहाँ पे देनी है TIN, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये तो ये हमारे पास होता नहीं है, तो इसकी जगह आपने अपना जो है ID कार्ड का नंबर है आपने वही लिख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल डिटेल्स जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर अपना प्राइमरी एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, उसके अलावा नीचे जो है फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मतलब ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपने फिलअप करनी है। तो मैं यहाँ तमाम चीज़ें फिलअप करके जो है वो आगे चलता हूँ।
तो इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास नया एक पेज आ गया। यहाँ पे लिखना है मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट, तो नीचे लिंक पेपाल है, पेपाल तो पाकिस्तान में है नहीं, तो यहाँ पे हम जो है वो बैंक अकाउंट ही लगाएंगे। तो यहाँ बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लोडिंग हो रही है, हमारे पास नया पेज आएगा। ये देखें हमारे पास ऊपर कंट्री पूछ रहा है, नीचे अकाउंट होल्डर का नेम, नीचे IBAN मतलब आपके बैंक अकाउंट का IBAN पूछ रहा है, तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो ये मैं तमाम डिटेल लिख के फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने लिख लेने के बाद, उसके बाद लिंक का पेमेंट मेथड पे हमने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नया पेज, यहाँ पे टैक्स इन्फो है, ये आपने लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद एड्रेस है, सेकंड एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, ऑप्शनल है, ये जिप कोड भी ऑप्शनल है, लेकिन आपने सब चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखने के बाद फिर आगे चलते हैं। जी तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, हमारी जो अर्निंग अब आना है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अर्निंग्स 0S20, ठीक है, स्टार्स हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो ये नीचे सेटिंग्स हैं, आपने दोबारा इनमें से कर लेनी है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। पोस्ट पर स्टार, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, नीचे स्टार जो मैसेज लिंक है, तो ये सेटिंग है, मतलब आप इनको पूरी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, जब आप इनमें आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अपना पे आउट, जब पे आउट मेथड आप सेट कर देंगे फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, वरना आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उससे पहले आपको सिर्फ ये चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, मोनेटाइजेशन होगी। इसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया, आपको ये ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, ये जो ऑप्शन है इनमें से आप जो स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, इंटरनेट स्लो हो गया, चलो छोड़ें इसको, बस क्या ख्याल है वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।